कांगड़ा जिला के एक दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भवन देने का वायदा कर लोकसभा चुनावों में भाजपा की स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अब हवा नहीं जमीन पर होगा और इसके लिए प्रदेश सरकार ने सभी औपचारिकताएं अंतिम चरण में पहुँचा दी है। मुख्यमंत्री ने नवम्बर में भवन के शिलान्यास का वायदा किया है। ये भी साफ किया है कि इसके फिलहाल दो परिसर, एक धर्मशाला तो दूसरा देहरा में बनेगा। वर्षों से अधर में रहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा भाजपा सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं न कहीं इसका श्रेय लेने से पीछे नहीं है। ऐसे में अब प्रदेश भाजपा सरकार की ये कोशिश रहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले धर्मशाला व देहरा का सेंट्रल यूनिवर्सिटी भवन की सौगात देकर कांगड़ा व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के साथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मजबूत बनाया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के चंबा में सांसद शांता कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट सीमेंट उद्योग को भी पंख लाने की बात कही। चंबा में सीमेंट उद्योग की स्थापना शांता कुमार का सपना रहा है, जिसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बयां किया। सीमेंट उद्योग लगने के लिए आड़े आ रही सड़क की बाधा को भी दूर करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाने की बात मुख्यमंत्री ने कही। मुख्यमंत्री ने निचले क्षेत्र के शीतकालीन प्रवास को लेकर भी स्पष्ट किया कि सरकार पुरानी रिवायत को निभाते का प्रयास करेगी। स्मार्ट सिटी के विकास को आगे बढ़ाने के लिए विरोधियों पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ये नौसिखिया नहीं, अपने पैरों पर खड़ी भाजपा सरकार पूरी तरह सक्षम है। कार्यकाल के दौरान प्रदेश सरकार केंद्र से करोड़ों की सहायता लेने में सफल रही है। इस बात की खुशी है कि धर्मशाला में स्मार्ट सिटी एक स्वप्न के रूप में मुझे लगता कि धर्मशाला के लोगों के लिए मिली है, और ये ऋण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की। हम कल्पना कर सकते हैं, नई नई कॉरपोरेशन बनी और नई कॉरपोरेशन ने स्मार्ट सिटी का पहला स्थान का चयन अगर हिमाचल प्रदेश में होता है तो उसमें धर्मशाला भी शामिल होता है, और उसके बाद धर्मशाला विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। और बहुत जल्दी में जो जितने भी हमारे स्मार्ट सिटी से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट्स यहां पर धर्मशाला में इस शहर को सुंदर करने की दृष्टि से होंगे, उनके काम को गति देने के लिए हम दोबारा बहुत जल्दी आपके धर्मशाला में आने वाले हैं अगले महीने में, और उसके बाद हमारा जो है विंटर का जो हमारा प्रवास सर्दी के मौसम का, वो भी आपके धर्मशाला में रहने वाला है। और उसके साथ साथ में एक प्रोजेक्ट को लेकर के खासतौर से जिसका जिक्र यहां पर कृष्ण कपूर जी कर रहे थे, और वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का जिक्र हो रहा था। केंद्रीय विश्वविद्यालय हमसे बाद के समेकित जिन प्रदेशों में हुए वो तो जमीन पर खड़े हो गए। हम अभी जमीन ढूंढते रहे, सालों बीत गए, कभी यहां होगा कभी वहां होगा कभी ऐसा होगा कभी वैसा होगा। अब हमने सारी बातों पर विराम लगा दिया। अगले महीने नवंबर के महीने में जैसे ही हमारे विधानसभाओं के जो चुनाव हैं जिन प्रदेशों में वो संपन्न होने के पश्चात, हम यहां धर्मशाला में कार्यक्रम कर रहे हैं, और धर्मशाला और उसके बाद देहरा दोनों जगह का चयन कर लिया है। सारी औपचारिकताएं अंतिम दौर पर हैं और दोनों जगह एक साथ एक दिन में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए आएंगे। केंद्र से मंत्री आएंगे, हम भी आएंगे, हमारे सारे नेता आएंगे, सांसद आएंगे, मंत्रीगण आएंगे, और इसकी शुरुआत जिस बात को लेकर के ये विश्वविद्यालय हवा में उड़ता रहा इसको जमीन पर खड़ा करके दिखाएंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसके साथ साथ में एक और जो चीज, हमारा चंबा का पड़ोस का आपका जिला, जिस चंबा के जिले में अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, वहां हम उद्योग लगाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। जो सिकरी धार है वहां पर सीमेंट का उद्योग लगे, ऐसी हमारी कोशिश है, उस दिशा में हम आगे बढ़े। लेकिन वहां पर एक इश्यू आया है कि वो सड़क कुछ एक पोर्शन सड़क का है, और उस सड़क के पोर्शन में अभी कठिनाई थी, और इस कारण से वहां पर जो है बहुत लोग उसमें जो है उसमें टेंडर की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि उस सड़क को बनाने के लिए पैसा लगेगा,
और हमने ये तय किया है कि बहुत जल्दी दोबारा नए सिरे से जो है उसकी टेंडर की प्रक्रिया उस सीमेंट के उद्योग की करेंगे, और उसके बाद जो सड़क वाला जो पोर्शन जो जिसको लिए जितने जो इन्वेस्टर्स हैं जो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो सड़क बनाने में कठिनाई आएगी उसका जिम्मा प्रदेश सरकार लेगी, सड़क प्रदेश सरकार बना करके देगी और सीमेंट का प्रोजेक्ट वहां पर लगा करके वहां उस क्षेत्र के लिए रोजगार की दृष्टि से भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक माध्यम बनेगा। और उसके साथ साथ में चंबा जिला की लंबे समय से चली आ रही मांग उसको भी पूर्ण करने की स्थिति में हम हो पाएंगे। वहीं इन मुद्दों पर जिला कांगड़ा कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा से जब बात की तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का तोहफा यूपीए सरकार ने जाते जाते दिया था। उन्होंने कहा कि जब यूपीए 2 की सरकार आई थी तो केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई थी, लेकिन उस समय प्रदेश में भाजपा सत्ता में आई और तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने बेटे अनुराग ठाकुर को राजनीतिक फायदा दिलवाने के लिए 70% केंद्रीय विश्वविद्यालय का हिस्सा देहरा में प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि उस समय धर्मशाला के विधायक किशन कपूर थे तो क्या उन्होंने इतना तक नहीं कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रेम कुमार धूमल ने ये सब पुत्र मोह में किया था। उन्होंने कहा कि जब सुधीर शर्मा धर्मशाला के विधायक बने और फिर मंत्री बने तब उन्होंने जिंद्रांगल जगह के पास 350 एकड़ भूमि का चयन केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए किया, जिसमें 24 एकड़ जगह ऐसी थी जो वन क्षेत्र से बाहर थी और बाकी भूमि वन की थी। जितेंद्र शर्मा ने भाजपा पर आरोप जड़ते हुए कहा कि भाजपा ने 24 एकड़ भूमि केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम कर दी। भाजपा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब जल्द ही 2019 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं जिसका फायदा उन्हें मिल सके। प्रवक्ता ने कहा कि अगर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो 350 एकड़ भूमि में से 326 एकड़ भूमि बची है, उसे भी जल्द से जल्द केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम किया जाए। उन्होंने किशन कपूर पर आरोप जड़ते हुए कहा कि वे नहीं चाहते कि केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में बने क्योंकि अगर केंद्र विश्वविद्यालय धर्मशाला में बनती है तो उसका सारा श्रेय कांग्रेस को जाएगा और खासकर सुधीर शर्मा के नाम रहेगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तोहफा जो है यूपीए 1 की गवर्नमेंट ने जो है जाते जाते दिया था, जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट आई तो वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए धर्मशाला के लिए ही कमिटेड थी। इन द मीन टाइम जो है स्टेट में जो है सरकार चेंज हो गई, धूमल साहब आए और धूमल साहब ने अपने लड़के को खुश करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की गेम चलाई और उसको जो है मैक्सिमम पार्ट देरा के लिए जो है उन्होंने जो है प्रस्तावित कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय यहां पर से कृष्ण कपूर जी जो है यहां पर एमएलए भी थे और यहां पर मिनिस्टर भी थे, क्या उन्होंने एक शब्द भी कहा कि यहां से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है देहरा के लिए नहीं जानी चाहिए, जबकि इन दोनों के बीच में धूमल जी के बीच में और कृष्ण कपूर जी के बीच में गुप्त समझौता हुआ जिसके एवज में 70% यूनिवर्सिटी का भाव प्रस्तावित कर दिया उन्होंने देहरा के लिए, और ये सब किया उन्होंने पुत्र मोह के लिए। जब बाद में हमने जो है कांग्रेस सरकार ने जो है आंदोलन किया, श्रीमती चंद्रेश कुमारी जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए दोबारा से आंदोलन चलवाया, उसके बाद जो है सुधीर शर्मा जी यहां से जो एमएलए बन के आए मंत्री बने तो उन्होंने जदरांगल के पास इसकी प्रपोज साइट जो है 350 एकड़ जो है जगह चुनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें से 24 एकड़ जगह ऐसी थी जो वन क्षेत्र से बाहर थी। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि वो 24 क्षेत्र इन्होंने दे दी, वो 24 हेक्टेयर जगह जो है इन्होंने अब क्यों दी, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। अगर कृष्ण कपूर जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आज भी उतने सीरियस हैं तो वो 350 एकड़ में से जो बाकी 326 एकड़ जगह बची हुई है वो स्टेट गवर्नमेंट से उसका अनुरोध करें, कहें कि वो 326 एकड़ भूमि भी है जल्द से जल्द सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे धर्मशाला पे की जाए।